क्वेटा टी हाउस, ये बेसिकली एक सिंगल वुमेन चला रही है जो कि फार्मासिस्ट थी। फार्मासिस्ट की जॉब छोड़नी पड़ी अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद। एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छा रहा है। फादर की डेथ हो गई जिसकी वजह से फिर मुझे लाहौर मूव हो गई और यहाँ पे आके मैंने अब अपना सेटअप चलाया जो कि अब चलते हुए इसको 3 साल हो गए हैं। मेजॉरिटी हमने देखे इस वक्त नीचे भी बैठे हुए हैं, लड़कियाँ बड़ी कम आती हैं। लड़कों के साथ काम करना और उस चैलेंज, मतलब वो भी एक बहुत चैलेंजिंग है, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कैसे चीज़ें स्टेप वाइज होती की क्वालिटी पे हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लाहौर में मैंने आज से 3 साल पहले सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। हम लोग इस वक्त जिस रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हैं, क्वेटा टी हाउस, ये बेसिकली एक सिंगल वुमेन चला रही है जो कि पिछले 3 साल से बरकरार है इस बिज़नेस पे, 3 साल से ये बिज़नेस रन कर रही हैं। फार्मासिस्ट थी, फार्मासिस्ट की जॉब छोड़नी पड़ी अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद। बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हुए, बहुत ज़्यादा घर के हालात ख़राब हुए, मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन थी। 15,000 की नौकरी करती थी, इन्वेस्टमेंट की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने एक डट के फैसला किया और उस फैसले के बाद जो है इन्होंने क्वेटा टी हाउस की बुनियाद रखी। इस इलाके में देखा जाए तो ये वाहिद लेडी हैं जो कि अकेली एक टी हाउस चला रही हैं और इसके अंदर बेशुमार कस्टमर्स आते हैं दिन रात, जिनको ये 4 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक अकेली डील करती हैं। इनकी लाइफ की स्टोरी क्या है, इनकी स्ट्रगल क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम समन जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, आपने रौनक लगाई हुई है अपने यहाँ पे। ये बताएं कि जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि आप फार्मासिस्ट थी, एक आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द फील्ड जाके आपने क्वेटा टी हाउस के नाम से इतना माशाल्लाह अच्छा बिजनेस अपना सेटल कर लिया है, 3 साल की स्ट्रगल है, हाउ वॉज़ योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छा रहा है। स्टार्ट हुआ जर्नी एक फार्मासिस्ट से, फिर मैंने MBA किया उसके बाद और मैं जॉब करी थी, कभी सोचा नहीं था कि ये यहाँ पे आ जाऊँगी और यहाँ पे आके अपना बिज़नेस या अपना कोई काम स्टार्ट करूँगी। लेकिन जैसे कि सबने मेरी एक स्टोरी स्ट्रगल सुनी हुई कि फादर की डेथ हो गई जिसकी वजह से फिर मुझे लाहौर मूव हो गई और यहाँ पर आके मैंने अब अपना सेटअप चलाया जो कि अब चलते हुए इसको 3 साल हो गए हैं। तो अब जो 3 साल का जर्नी है उसमें बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मतलब कि सीखने को बहुत मिला है और पता चला है कि क्या मतलब कि इस वक्त जो है चैलेंजेस हैं जो हम मतलब के फेस करने पड़ते हैं आपको बिज़नेस करते हुए। लाहौर की आप वाहिद खातून हैं जो कि इस वक्त इंडिपेंडेंटली एक टी हाउस चला रही हैं। यहाँ पर लड़के मेजॉरिटी हमने देखे इस वक्त नीचे भी बैठे हुए हैं, लड़कियाँ बड़ी कम आती हैं। आया कैसे एक्सपीरियंस है बीइंग अ लेडी, अकेले सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल तो है, ये मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन मुमकिन, ये कितना मुमकिन नहीं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये है कि ये जगह पहले तो यही था कि लड़कों के लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, लेकिन अभी तो हमने फैमिली हॉल बनाया है फैमिलीज़ के लिए और लड़कियों के लिए ऊपर बैठने के लिए। तो एक तो पहला एक ये था कि एक सबसे पहले ये कि रिक्वायरमेंट थी, लेकिन लड़कों के साथ काम करना और उस चैलेंज, मतलब वो भी एक बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन स्टूडेंट्स थे सबका, मेरा एक्सपीरियंस उस लिहाज से बहुत अच्छा रहा है। जब ये आप स्टार्ट करने लगी थी तो आया घर वालों की तरफ से क्या रिव्यूज़ थे कि जब आपने उनको बताया कि मैं अकेले ये स्ट्रगल स्टार्ट करने लगी हूँ, तो किसी ने रोका नहीं कि तुम अच्छी खासी तुमने स्टडी किया और तुम वो छोड़ के तुम इस पे जा रही हो, मैनेज कैसे करोगी, दिन रात का काम है, आप कितने बजे ओपन करती हैं कितने बजे बंद करती हैं, कितना कुछ था जो आपने फ़ेस करने के बाद ये स्टेप लिया? नहीं एक्चुअली होता ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए प्लान की होती हैं और फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मतलब माशाल्लाह मेरी फैमिली, मेरा भाई, मेरे मदर दे वही सपोर्टिव, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि ठीक है आप इसको करें और बस फिर अल्लाह ताला की तरफ से सब प्लान हुआ हुआ था और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कैसे चीज़ें स्टेप वाइज होती की और एकदम से मतलब कि खुल गया। ऑफ कोर्स स्टार्ट में मुश्किल था, कोविड आ गया, कोविड में हमने बहुत फेस किया, आपके मतलब के आपके कैफेज़ क्लोज हो जाते हैं, सिटिंग बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव किया, फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, सब ने बहुत सपोर्ट किया और फिर उसी वजह से जो है मैं आज यहाँ पे हूँ। ज़बरदस्त हो गया समन, 15,000 की जॉब, वो वक्त जब आप याद करती हैं और आज जब माशाल्लाह ये अपना काम देखती हैं, कैसी फीलिंग आती है? ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी फीलिंग है जो आप मतलब बता नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जो है मतलब मुझे लगता है कि
अब सब कुछ अब सही है, क्योंकि ऑफ कोर्स जॉब आप जब भी कर रहे होते हैं वो आपका अपना काम नहीं है, आप किसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये आपका अपना काम है। अगर आप थोड़ा भी अर्न कर रहे हैं लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन तो है कि काम तो आपका अपना है, उसमें वो नहीं है कि जी जॉब है तो आपने 9 to 5। कभी कभी इवन दो कि मैं सोचती हूँ कि अच्छा जॉब वाला काम ठीक था, बस जॉब करके घर आ गए और आपको एंड पे पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका फाइनेंस मैनेज करना वो बहुत उतना ईजी नहीं होता जब सब लोगों को बाहर से दिख रहा होता है, अंदर बहुत मसले मसाइल होते हैं, कभी हमें लॉस हो जाता है, कभी हमें प्रॉफिट, मतलब कभी कभी हम लॉस में भी आ जाते हैं, कभी हम प्रॉफिट में भी चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमें हर वक्त प्रॉफिट ही आ रहा हो, लेकिन उसमें यह कि आपने मैनेज खुद करना होता है कि किस तरह से मैनेज करना है, बट वो अपनी चीज़ है तो आप उस पर स्ट्रगल लाजमी करते हैं। कितने बजे आप यहाँ पर आ जाती हैं और रात को कितने बजे यहाँ से जाती हैं? मैं तकरीबन 7 बजे यहाँ पर आ जाती हूँ, वैसे नॉर्मली ये हम इसको 4 बजे ओपन करते हैं, लेकिन मॉर्निंग 5 बजे तक यहाँ होती हूँ, क्लोजिंग खुद करती हूँ। 5 बजे तक, मतलब क्लोजिंग तक, सर्विंग तक, हर चीज़ पर नज़र आपने रखी मेरी? हाँ जी बिल्कुल होती है कि मैं खुद ही, एक तो मेरा कस्टमर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है कि मेरा कस्टमर जो है वो मैं होता है कि खुद इंटरेक्ट करती हूँ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है फूड में तो डेफिनेटली मैं उसको उसी वक्त जो है वहाँ पे उनका सॉर्ट आउट कर देती हूँ इशू। ये बहुत ज़रूरी है आपका खुद मौजूद होने का, मतलब अदरवाइज आप खुद मौजूद नहीं होंगे तो लोग जो हैं वो आपका जो बाकी स्टाफ है वो उस तरह से उनको नहीं डील कर सकता। देखिए मैं जब लड़की ख़ासतौर पर ठोकर खा लेती है ना, उसके बाद वो इस तरह की दबंग बातें भी करती है और दबंग फैसले भी करती है। कौन सी ज़िंदगी की ऐसी ठोकर है जो आपने खाई है उसके बाद आप इस मकाम पे? असल में एक तो ठोकर तो नहीं आप कह सकते, एक जो बैड मतलब फेज़ ऑफ लाइफ था वो था फादर की डेथ, जो कि एक बहुत ही मतलब कि जिसे आप कहते हैं कि एक सख्त मुश्किल एक फ़ेज़ ऑफ लाइफ था, उसके बाद ही हम इस तरफ आए कि मैं इसको करूं। अदरवाइज़ उनके होते हुए कभी फाइनेंसिस की कोई टेंशन नहीं थी, कभी पैसों की कोई टेंशन नहीं थी, बिकॉज वो सब मैनेज कर रहे थे। आपको पता है कि बाप का एक ऐसा होता है फैक्टर लाइफ में कि वो सब मैनेज कर रहे थे, तो हम बड़ी मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बट उसके बाद जब एकदम से लाइफ का पता चला कि हाँ आपने चीज़ें देखनी है वो, तो देन आप एक डिसीजन ले लेते हो फिर कि कोई ना कोई डिसीजन अल्लाह ताला आपसे करवा। डेथ के बाद आपने फैसला कर लिया कि अब मैंने कुछ करना है? ऑफकोर्स बिल्कुल, उनके होते हुए भी जॉब तो कर ही रहे थे, वही बता रही हूँ ना कि तब फाइनेंसिस का कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई पैसा मतलब कि परेशानी नहीं होती थी, लेकिन उनके जाने के बाद ये एहसास हुआ कि अब जो करना है खुद करना है, क्योंकि आपके पीछे बैक पे कोई नहीं है, आप हैं, आपके भाई हैं, आप लोगों ने खुद ही करना है जो भी। तो फिर उसके बाद इसलिए ये डिसीजन करना पड़ा कि कुछ अपने लिए करना ही है, अब तो खुद करें और बस। इसको सोचती हैं कि मैंने फ़ैसला बिल्कुल सही किया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से, ये अल्लाह ताला ने ही मेरा फैसला कराया और अल्लाह ताला ही ने इसको बहुत अच्छा भी साबित किया है मेरे लिए। बिल्कुल तन्हा अकेले ये चला रही हैं आप? फिलहाल तो मैं इसको खुद ही करती हूँ, मेरा स्टाफ माशाल्लाह मेरे साथ है, वो इसके साथ मेरे हेल्प करता है, मेरे स्टाफ में बहुत अच्छे मेम्बर्स हैं, भाई भी कभी कभी मेरे साथ आते हैं, वो भी साथ चलाते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि जाहिर है फैमिली की सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उनकी सपोर्ट भी साथ में होती है। कॉम्पिटिटर्स हम आपके इर्द गिर्द देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, हम राइट हैंड पर देखें, लेफ्ट हैंड पर देखें, सामने देखें, सर्विस रोड पूरा भरा पड़ा है खाने पीने की चीज़ों से। कॉम्पिटिटर्स इतना होने के बावजूद आपके यहाँ पर खासा रश है इस वक्त लोगों का, कैसे मेनटेन किया हुआ है सपोर्ट? टेस्ट क्वालिटी पे, मैं क्वालिटी पे हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सपोज हमारी चाय है उसका दूध अगर मुझे लगा कि कहीं से ऊपर नीचे हो रहा है, तो स्पेशल मैंने मतलब कि 3-4 वेंडर्स को बुला के एक गांव से जाके बोला कि वहाँ से दूध लेकर आओ। हाँ, और जैसे हमारी पत्ती जो है वो कोयटा से स्पेशल आती है, और इसी तरह पराठों पर हम जो है अपनी कॉस्टिंग पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन हम बेस्ट पराठा जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि बहुत से लोग हैं इस माशरे में जो कि औरत को ख़ास तौर पर लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं कि फ़लानी लड़की क्यों काम कर रही है, वो क्यों आगे जा रही है, इसने कैसे कर लिया, आप पे ये वक्त कभी आया है? बिल्कुल बहुत आता है, लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स मतलब कि मैंने देखा कि चाहे कोई भी कामयाब है, लड़का है या लड़की है, लोग उसको सर्वाइव नहीं करने देते। बहुत लोग होते हैं जो आपके तरफ नेगेटिविटी को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपका अल्लाह ताला पे यकीन और अल्लाह ताला आपके साथ और आप ईमानदारी से काम करें, आप हलाल का खा रहे हैं, सबसे पहली जो चीज़ मैं कहती हूँ कि आप अपने काम में कोई दो नंबरी ना करें, कोई मतलब किसी के साथ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आप उनकी सैलरीज ये वो मत खाएं, तो अल्लाह ताला आपके साथ हमेशा आपके साथ चलता है। ऐसा वाक्य शेयर करेंगे जो देखने वालों के लिए भी आप ये समझ लें कि एक सबक होगा जो आप पे गुजरी है कभी? बस मेरा यही है कि अगर लोगों को लगता है कि आपको लेट डाउन करते हैं, तो आपने वहाँ पे एक तो अल्लाह पे अपना ईमान रखना है और आपने वहाँ पे डिसहार्ड नहीं होना, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप नर्व्स आपके बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत गिराती हैं या आपको मतलब कि मेंटली थोड़ा मतलब कि परेशान कर देती हैं, लेकिन फिर वहाँ पर विल पावर आ जाती है। अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो फिर डेफिनेटली यू कैन सर्वाइव। सनम, अगर आज आपके वालिद साहब ज़िंदा होते तो क्या आज आप इसी मकाम पे होती हैं या अभी तक आप वो अपने पापा की लाडली होती हैं और फार्मासिस्ट की जॉब कर रही होती हैं?
आई थिंक मैं अभी तक उनकी वही वो बात ना कि लाडली होती, क्योंकि वो वाली बात है कि वो उन्होंने कभी हमें नहीं कहा था कि आप कुछ ये करो, बट ही ऑलवेज वॉन्ट्स कि हम कुछ बने। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ पढ़ा भी दिया, इतना पढ़ाया मतलब डिग्रीज भी दिला दी, मैंने फार्मेसी की भी, मैंने MBA किया, उसके बाद उन्होंने आज़ाद किया कि आप जो करना चाहते हैं आप करें, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस सारा उनका ही है। लेकिन वही बात है कि शायद ये सब अल्लाह ताला के प्लान्स थे जो उनकी मतलब के अदरवाइज मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरफ आ सकते हैं या बिज़नेस कर सकते हैं। अदरवाइज शायद वही होता कि वो अभी तक में उनकी वही हम कहते ना कि एक मतलब कि लाडले और वही उस तरह चल रहे होते शायद। अच्छा सनम, कभी हमारा मुआशरा है, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, जिस तरह यहाँ पे मेजॉरिटी लड़के आते हैं, कभी किसी ने बदतमीज़ियाँ छेड़छाड़ करने की या तंग करने की कोशिश की है? क्योंकि ओपनली नंबर आपका जो है वो है, हर जगह पर है, मेन्यू वगैरह पर भी है, लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं, कभी कोई ऐसा वाक्य है कि कोई पीछे पड़ गया हो आपके हाथों? मेरे कस्टमर्स यहाँ पर, मैं अपने कस्टमर्स की हमेशा बहुत तारीफ़ करती हूँ कि दे आर लाइक अ फैमिली, मतलब कि तो रिपीटेड कस्टमर्स हैं। और अच्छा, उन्होंने स्टार्टिंग में उनको लगा कि अच्छा ये फीमेल हैं ये वो, लेकिन वो इधर टाइम वो एक्सेप्ट इतना कर चुके हैं, वो इतनी रिस्पेक्ट मुझे अपने कस्टमर से मिली है, तो मैं अपने कस्टमर से कभी भी कोई शिकायत नहीं करती कि मुझे कभी किसी ने कुछ तंग किया हो या कुछ भी, बिकॉज़ वो इतने रिपीटेड कस्टमर्स हैं। उसके बाद फिर जो मेरा स्टाफ है, दे आर वेरी यू नो, इनको बड़ा पता है कि अगर कोई बंदा इस तरह से कर रहा है तो वो इतना अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं कि मेरे तक कोई बंदा आता नहीं है। अच्छा, कोयटा टी हाउस इसका नाम है, हम लास्टली ये पूछेंगे, क्या आपका ताल्लुक कोयटा से है? नहीं, मेरा ताल्लुक कोयटा से नहीं है, बेसिकली मैं हूँ पंजाब से, लेकिन ये कंसेप्ट जो है बेसिकली मैं फ़र्स्ट टाइम इसको लेके आई थी, ये इस्लामाबाद का कंसेप्ट था, कराची इस्लामाबाद, उसके बाद लाहौर में मैंने आज से 3 साल पहले सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया। अब बहुत मल्टीपल खुल चुके हैं लेकिन हमने इसको सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। आपने ये सोचा कि कोयटा का नाम बड़ा चलता है कि कोयटा टी स्टॉल हो गया, कोयटा पराठे हो गए, तो मैं भी कोयटा टी हाउस, ऐसे ये काम है? हाँ, बस ये एक कंसेप्ट चल रहा था पूरे इस्लामाबाद में, इस्लाम दिमाग से खेल, हाँ बिल्कुल हो गया, और वो 3 साल पहले खेल लिया था तो वो फिर हिट कर गया आइडिया, यहाँ वो आइडिया हिट कर गया। आगे के क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि इसी को मतलब कि हम जो है वो मीन्स के चाहते हैं कि इसी को ज़्यादा आगे बढ़ाएँ और इसी को लेकर चलूँ, क्योंकि ऑफकोर्स इसी नाम के साथ मैं हूँ और इसी नाम के साथ चलना चाहती हूँ। तो फिलहाल ये कि यहाँ पे बस इसको जो है एक्सपैंड इसी मतलब के एरिया में करें, ज़्यादा सिटिंग, अब जैसे मैंने फैमिली हॉल बना लिया फैमिलीज़ के लिए, लेडीज़ के लिए, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होती थी नीचे बैठने में, तो बस सही है अब इसी को। रिश्तेदार बताएं जो खासतौर पर फूफियाँ चाचियाँ मामियाँ होती है लड़की, और वो भी इस तरह से एज अ बिज़नेस, पहली बात तो उनको हज़म नहीं होता, और अगर हज़म कर भी ले तो कोई रिश्ता भी नहीं देता, तो आपके ऊपर कभी ये वक्त आया है कि मैं नहीं हूँ रिश्ता करना, हूँ कुड़ी जड़ी है ना वो मुंडिया के बीच काम कर रही है? नहीं नहीं, मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, अगर मैं खासतौर पर बात करूँ अपनी ददिहाल वाली साइड से, लोगों के होता है कि वालिद की डेथ के बाद जो है वो सपोर्ट नहीं करते, बट मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट मिली मुझे वहाँ से अपनी फैमिली से, बल्कि बहुत मोटिवेशन भी मिली मुझे अपनी, हालाँकि ये भी एक एग्जाम्पल है कि आपकी फैमिली और वो भी फूफियाँ साइड जो होती हैं वो इतने पॉजिटिव हों, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत अच्छी सपोर्ट मिली। बाकी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं आपको कह रहा कि अगर आप यहाँ पे ना तो आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है पीछे से, अदरवाइज़ आप फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये मतलब कि जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो कि आपके फेस से गुजरी हों, उन मुश्किलात से गुजरी हों, वो किस तरह से लेट डाउन करें इस माशरे? मैं बिल्कुल लड़कियों को ये मैसेज लाजमी देना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए सबसे पहले तो फाइनेंशली जो है इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी हो चुका है, तो मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में लाजमी करें, लेकिन आप जब निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको 100 लोग जो हैं वो अगर मोटिवेट करेंगे तो उतने ही लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश भी करेंगे। बाहर की दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी दिखाई जाती है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते उस तरह से। अगर आपने ट्रस्ट करना है तो मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आपकी नीयत की तरह ही आपको साफ मिले, तो बस ये कि एक अपने आप को कहते हैं ना कि एक विजिलेंट होकर आप देखें और चलें और शार्प, अपना माइंड शार्प रखें और अपने काम को करें, बस डीमोटिवेट ना हो, लेकिन अपने लिए लाजमी कुछ ना कुछ करें। ठीक हो गया, आज तक कभी डीमोटिवेट तो नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कमा कितना लेती हैं, थोड़ा सा आइडिया दे? बस वही मैंने आपको बताया ना कि कभी प्रॉफिट लॉस जो है वो बराबर चलता रहता है, ठीक है, अब आप ये कहें कि हमें मतलब कि अगर एक बहुत प्रॉफिटेबिलिटी का टाइम भी होता है तो वो ऐसा होता है कि उसमें फिर आप अपना जो इनकम आप करते हैं आप उसी अपने कैफ़े में लगा देते हैं, ठीक है, और लॉस में भी हम जाते हैं ऑफकोर्स, जब सीज़न नहीं होता तो हम उसको लॉस में भी उसको फेस करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। ठीक हो गया जी, ये सनम है और ये अपनी ज़िंदगी की कहानी बता रही थी कि किस तरह से ये फार्मासिस्ट है, बट वो तमाम चीज़ें छोड़ के, वो अपनी डिग्रीज छोड़ के, अपने वालिद साहब की डेथ के बाद इन्होंने जो अपनी हार्ड स्ट्रगल जारी की और 3 साल तक
तीन साल का अरसा गुजर गया इनको ये कोयटा टी हाउस रन करते हुए तन तनहा लाहौर में, जहाँ पे इंतहाई कंपटीशन है खाने पीने का, अपने आप का स्टैंडर्ड बरकरार रखे हुई हैं। कितनी मुश्किलात से गुजरने के बाद आज भी जो है इनके हौसले बुलंद है, ये इनकी लाइफ स्टोरी थी, ये इनकी मोटिवेशनल और स्ट्रगलर स्टोरी थी। और उम्मीद करती हूँ कि इसको देखने के बाद आप लोगों के अंदर भी मोटिवेशन डेवलप ज़रूर हुई होगी। वो लड़कियाँ जो कुछ करना चाहती हैं और कर नहीं पा रही, वो ज़रूर मोटिवेट होंगी इस स्टोरी से। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।